हेलो दोस्तों, की हाल चाल है। स्वागत है मेरे चैनल रोज टिकर में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फीमेल कैरी मेडा। फीमेल कैरी मेडा कहते हैं, मैं इसको जब भी मुंह देखता हूँ ना मुझको ये मेल नजर आती है ना फीमेल नजर आती है। मुझको तो ये समझदार तो तुम फिर हो। बहुत ही भयंकर कंट्रोवर्सी छिड़ चुकी है भैया, इनकी सोनियापा की और भैया लक चौधरी की। इसी दोनों के बारे में आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूँ ये वीडियो थोड़ा सीरियस होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट बात रखने वाला हूँ, इसलिए अभी शुरुआत से लास्ट तक पूरा देखना, तभी वीडियो को सही वे में समझोगे, ऐसे तो गलत वे में समझ जाओगे, इसलिए लास्ट तक देखना। और हाँ भाई, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फायदे की अब मेरी फायदे की बात है ये, अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक जरूर कर देना, वीडियो एंड तक देखना, लाइक जरूर करना। और क्या कहना चाहते हो, चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो भैया सलोनियापा नाम है, शायद मैंने वीडियो को शुरुआत में सोनियापा कह दिया, नहीं सलोनियापा नाम है इसका, असली नाम सलोनी है। तो भैया इसका नहीं कहना है, इसके व्यूवर्स का कहना है और बहुत लोगों का कहना है कि ये फीमेल कैरी मिनाटी है, मतलब क्योंकि ये फीमेल मतलब कैरी मिनाटी कुछ चीज पॉइंट उठाती है और उसकी तरह बात बोल देती है, इसलिए लोग फीमेल कैरी मिनाटी इसको कहते हैं। इसने अपने मुंह से कभी नहीं बोला, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, ये मुझको फीमेल और मेल दोनों नहीं लगती। इसके सबसे बड़ा एक रीज़न है, चलो शकल से तो चलो अभी कह ही दिया, शकल से तो वो फीमेल मेल कुछ नहीं लगती, लेकिन एक रीज़न और है, ये पहले टिकटॉकर थी। हाँ भैया, ये पहले टिकटॉकर के 30 मिलियन फॉलोवर्स थे इसके भैया, 30 मिलियन फॉलोवर्स। ये टिकटॉक थी और टिकटॉक ही रहते ही रहते, तब डिलीट नहीं हुआ था टिकटॉक, बैन नहीं हुआ था, रहते ही रहते यूट्यूब में कूद गई थी और टिकटॉकरों का रोस्ट करने लगी थी। तो इस हिसाब से देखो, जो ना टिकटॉक का हुआ ना यूट्यूब का हुआ, बीच वाला हुआ, तो बीच वाले इंसान को क्या कहते हैं। और अब ये रील्स में कूद चुकी है और रील्स में कुछ ऐसा कांड कर रही है। उसकी गली में मुझको जाना नहीं, हाल कैसा है ये भी बताना नहीं, वो बड़ी हसरत है आलम उस दिन की, वो कहे मैं हूँ, मैं कहूँ जी मुझे गाँव मराना नहीं। कलाकारी पहले ही भैया रेल्स में, अरे रेल्स में बहुत कलाकारी पहले ही, वो बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते जो कंट्रोवर्सी छूट चुकी है भैया। इनकी एक नया वीडियो आया जिसमें ये रो धो रही है, कुछ ऐसे ही कांड कर रही है, जो भी कर रहे हैं तुम लोग भी देख लो एक बार। साथ एक लड़की पे तुम लोग 27 रोस्ट वीडियोस बनाते हो, तुम सबको एक साथ ही याद आ रहा है या फिर डिसाइड करके प्लान करके ये सब कर रहे हो, क्या समझे कोई। तो इस मोटी सुंदर कन्या का कहना है कि भैया इसके ऊपर लोग रोस्ट क्यों कर रहे हैं। भैया तुम रोस्ट करती हो सबके ऊपर तब बुरा नहीं लगता, तुम्हारे ऊपर रोस्ट होना बुरा लग रहा है। खास कर ये लक्ष्य चौधरी कह रही कि बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर गलत बात बोल दी है कि ऐसा करती है वैसा करती है, तो यही रोना धोना अपने वीडियो में लाई है कि मेरे ऊपर रोस्ट क्यों कर रहा, सबको 17 वीडियो मेरे ऊपर आ चुके हैं एक साथ, आखिर क्यों। तो एक बात बताना चाहता हूँ, कोई प्लानिंग करके कोई नहीं करता, ये कोई प्लानिंग नहीं होती है, ये सिर्फ ये होता है कि जब भी कोई लोग ट्रेंड में आ जाता है ना तो एक दूसरे को देख के वीडियो बन जाते हैं, ये बात होती है। इतने सालों से यूट्यूब में काम कर रही, क्या तुमको इतना भी नॉलेज नहीं, अगर नॉलेज नहीं तो कतई मेरे पास हो, बहुत अच्छा नॉलेज दूंगा, बहुत अच्छा। शायद कुछ नहीं बोलती क्योंकि जब टिकटॉक पे मेरे साथ ऐसा हुआ था तो सब कुछ अंदर अंदर हुआ, तो ऑडियंस को कुछ भी पता नहीं चला था। और इस बार जो हो रहा है वो सिर्फ एक साइड से बोली जा रही है बातें, मेरे को गंदा दिखाया जा रहा है, तो इस बार अगर मैं सब कुछ नए से शुरू भी करती हूँ तो ऑडियंस को लगेगा कि ये लड़की गलत थी। जो रो मत, ठीक है, अब नहीं करता हूँ तुम्हारे ऊपर रोस्ट भैया, कोई नहीं करेगा, रो मत, बड़ा बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन लड़कियों के पास भैया बहुत अच्छा तरीका है कि भैया कुछ भी हो जाए रो धो लो तो मेरे तरफ तो ऑडियंस आ ही जाएगी, चाहे कुछ भी हमने किया हो, है ना, बहुत चालू चीज है। लेकिन ये बकचोदी तो इस सोनियापा की यूट्यूब में रही कि भैया ये रोना धोना चालू कर दिए कि भैया मेरे को फेमिनिज्म चाहिए, मेरे को लोग ऐसा कह रहा है वैसा कह रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। अरे तुम भी तो बहुत अच्छी अच्छी गाली देती हो, सुनाए क्या तुम्हारी गाली, जरा सुनो तो। बेटा जितना अननेसेसरी हेट तुम लोगों ने मेरे को दिया ना, उतना ही हेट अगर तुम्हें मिल जाए तो गांड से हींग हग दोगे, समझे। देखो भैया हींग हगा देगी, वाह भैया लक्ष्य चौधरी के हींग निकाल देगी, कतई कहां ऐसे तुम्हारे जैसे लोग हो तो ऐसे हींग निकालने लगे तो कतई, हींग तो बहुत सस्ती होती है, सबके घर में हींग ही हींग भर जाए भैया। तुम भी हींग ही हगते हो। हाउ डेयर यू।
तो भैया मैटर कुछ ऐसा है कि भैया ये जो कन्या है, सुंदर कन्या है, इसके ऊपर लक चौधरी ने कर दिया रोज, तो इस कन्या को लग गया बुरा। और इसको जैसे लक चौधरी ने किया, वो तो बड़ा क्रिएटर है भैया, जैसे उसने रोस्ट किया तो 17 और वीडियो आ गए इसके ऊपर रोस्ट करते हुए, 17 वीडियो और आ गए और उनने भी इसके ऊपर रोस्ट कर दिया। तो भैया इसको लगा कि ये पूरी गैंग है भैया, कुछ गैंग नहीं होती भैया, ये सिर्फ ट्रेंडिंग जो चल जाता है उसी के ऊपर रोस्ट हो जाता है। ये बात मैं तो साला चाहता हूँ कि मेरे ऊपर कोई रोस्ट करे तो मुझे कतई मजा आ जाए, साला मुझको 4 गाली की जगह 10 गाली दे, लेकिन मेरे ऊपर कोई रोस्ट करे, मैं तो यही चाहता हूँ। लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पर कोई रोस्ट कर रहा है तो तुम उसको रोस्टिंग में लो, और बुरा लग रहा है तो छोड़ो ना यार, तुम भी अपने मतलब वीडियो में देखो गरिया ली उन लोग को, और उसने तुमने अपने वीडियो में गरिया लिया तो उसने तो गाली वाली तुमको नहीं दी, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ कि उसने अपने वीडियो में कह दिया, तुमने अपने वीडियो में कह दिया, हो गई बराबर, होगी बात, अब क्या चाहिए। YouTube में ये सब करते रहना चाहिए, व्यूज चाहिए, और ये लोग बहुत चालू होते हैं ये दोनों, चाहे लक चौधरी हो चाहिए सोनियाप्पा सलोनियाप्पा हो, दोनों में कोई कोई दोनों व्यूज के लिए काम कर रहा है, वो भी सोचता है कि मेरे को इस चीज से व्यूज हो, ये सोचे मेरे को इस चीज से व्यूज होता है, झूठ उनकी कॉन्ट्रोवर्सी बनाते हैं बहुत लेके, हम लोग को चूतिया बना देते हैं। देखो बातों की बकचोदी हो गई बहुत, अब ये वीडियो तुम लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर मार देना, और कमेंट में बता सकते हो वीडियो कहाँ अच्छा लगा। और भैया एक भाई साहब के ऊपर मेरा दिल आ चुका है, वो भाई साहब है ये आदित्य, कतई हर वीडियो में कमेंट, कतई हर वीडियो में कमेंट, कतई मजा आ जाता। और एक भाई साहब और है, उनको मैं कल के वीडियो में बताऊंगा, वो भाई साहब भी आज अगर आज के वीडियो में कमेंट करते हैं तो कल के वीडियो में बताऊंगा वो भाई साहब कौन है जो बहुत ज़्यादा मेरे सारे वीडियो में कमेंट करते हैं। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तुम लोग को वीडियो पसंद आया लाइक जरूर कर देना, और कुछ नहीं ये दोनों वीडियो देखो, तब तक के लिए लव यू ऑल।